14 सितंबर सोमवार को बानाहट सांगठनिक ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के तत्वाधान में बिना बुरी बाजार के केंद्र सरकार द्वारा राज्य के प्रति सौतेला व्यवहार एवं राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों को निजीकरण करने के विरोध में जुलूस एवं पथ सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बानाहट सांगठनिक ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं समर्थक भारी संख्या में उपस्थित होकर केंद्र सरकार के इस नीति के खिलाफ में अपनी आवाज को बुलंद किया। बानाहट ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सभापति नयन दत्ता एवं कार्यकारी सभापति सागर गुरु तथा सुजीत छेत्री के तत्वाधान में बिना बुरी फॉरेस्ट ऑफिस मैदान में टीएमसी कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों ने रैली निकाला। इस रैली में हजारों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस नेता के समर्थक शामिल थे। ये रैली बिना बुरी बाजार चौपती होते हुए पूरे इलाके की परिक्रमा करते हुए बिना बुरी बाजार में आकर पद सभा में तब्दील हो गई। रैली में केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की एवं मोदी सरकार द्वारा राज्य सरकार के प्रति सौतेला व्यवहार, राज्य को न्यायोचित अधिकार से वंचित करने की प्रतिवाद में वक्ताओं ने अपनी विचार पत्र सभा के जरिए रखा। आज के इस राजनीतिक कर्मसूची में ब्लॉक सभापति नयन दत्ता, कार्यकारी सभापति सागर गुरु एवं सुजीत छेत्री, बानाहट एक नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान तवारक अली, बिनागुड़ी अंचल के कन्वेनर विजय प्रसाद, पंचायत प्रधान दीपक श्याम, श्रमिक नेता धन बहादुर छेत्री बाबुन गोप, संदीप क्षेत्रीय, श्रमिक नेता निप्र राज क्षेत्री एवं एडवोकेट निखिल चंद्र दास, पंचायत सदस्य उमेश प्रसाद, पंचायत समिति सदस्य पुकार लामा, बिनागुड़ी ग्राम पंचायत के उपप्रधान पूनम शर्मा, महिला ब्लॉक कमेटी के कार्यकारी सभापति महिपरा कृष्ण, देवू भमित सहित कई उपस्थित थे। মিশন মিছিল করেছি, আজ আমরা গর্বিনাগুড়ি বুকে মিছিল করছি, আগামী দিনে আমরা 16 তারিখ রাজ্য সরকারের প্রতি বঞ্চনা এবং রাজ্যের প্রতি যে উন্নয়ন কাজ করছে অত্যাচার বলিয়ে কালো ধন বলিয়ে বিজেপি কে অমল মে বহু সারা হো রা আপ লোক কো মালুম হে কি কংগ্রেস কা জব সরকার থা উস সময় মে জিএসটি লাকার 18% পেলে কোম্পানি ওয়ালে কো দো 5% মার্কেট মে দো হর ক্ষেত্র মে ট্যাক্স কে নাম পর ধন্দাবাজি কিয়া জা রা হে ভোটাবাজি কিয়া জা রা হে ট্যাক্স কে নাম পর এক ছোটা সা एक बात बोलता हूं कि इस जुल्म के दौर में जुबान खोलेगा कौन और हम ही अगर चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो नयन दत्ता जी को मैं बहुत ही संक्षेप में सभी मुद्दे पे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात रख चुका है, मैं कुछ विषय पे केंद्र आकर्षित करना चाहूंगा। आज विशेष करके ये दायित्व किस कारणवश से मिला था, एक केंद्र सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ में सारे पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार के विरोध में विक्षोभ मिचिल करने का, विशेष करके पश्चिमबंग राज्य राज्य कमेटी निर्देश अनुजाई एवं আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট বিশাল কলের নির্দেশ অনুযায়ী আজ আমরা বানার ব্লকের কর্মসূচি আমরা বিরোধী করলাম। সে রাজ্য সরকারের বঞ্চনা, রাজ্য সরকারের প্রতি যে দুর্ব্যবহার এবং পশ্চিমবাংলার প্রতি যে অত্যাচার এবং বিজেপির যে সন্ত্রাস, তার প্রতিবাদ আজকে আমরা বিন্দাগুড়ি রাজপথ আমরা মিছিল করলাম। আমরা ইতিমধ্যে আমরা বানার ব্লকে আমরা একটা বড় মিছিল করেছি, আমরা জমায়েত করেছিলাম, আজকে আমরা বিরিয়ানি করলাম। আগামী দিনেও আমরা এই এলাকায় এই ব্লকে প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিটি বুথে আমরা বিজেপির অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিজেপির কার্যকরী বঞ্চনার প্রতিবাদে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। আমাদের আগামী দিনে 16 তারিখে আমাদের প্রোগ্রাম আছে দুরামারিতে, ব্লকের প্রোগ্রাম, আমরা কৃষক খেদমুজি ব্যানার প্রোগ্রাম করব।
পরবর্তী প্রোগ্রাম আমরা বানাটে আমরা অবস্থান করব। রাজ্য সরকারের বঞ্চনা এবং রেলের প্রতি বঞ্চনা এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টপেজ বিভিন্ন দাবি দাবানে আমরা আগামী 20 তারিখ বানাটে আমরা অবস্থান বিক্ষোভ করব। আজকে মিছিলটা কত লোক ছিল? আজকে মিছিলে প্রায় হাজার দেড়েক জমায়েত ছিল। এটা আমরা কয়েকটি অঞ্চল, যদি ব্লকের প্রোগ্রাম, তিনটি অঞ্চল নিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করেছি, তো আমাদের আরও প্রোগ্রাম আছে। প্রায় হাজার দেড়েক কর্মী আজকে মিছিলে ছিল। চা বাগানে প্রচুর শ্রমিক এবং বিভিন্ন বুথ থেকে আজকে প্রায় 600 কর্মী আজকে মিছিলে যোগ দিয়েছে। देखिए चाय बागान आज जिस तरीके से चाय का दाम बढ़ा हुआ है, अब चाय बागान में मिनिमम वेज होना चाहिए। आज चाय बागान के निवासियों को जमीन का पट्टा मिलना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं केंद्र सरकार में बैठे हुए जो हमारे सांसद सब है, उनको आज यहाँ से जिता के भेजने के बावजूद भी आज हमारा 1951 का जो प्लांटेशन एक्ट में कुछ बदलाव आना चाहिए, ये बदलाव नहीं आ रहा है। इसके विरोध में हम लोग अभी भी, आज भी हम लोग इसका विरोध किए और आगामी दिन में भी करेंगे। विजय जी, आज आप लोगों का जबरदस्त रैली निकला, क्या क्या मुद्दा था इस रैली का? सर्वप्रथम मैं हमारे बनाहट तृणमूल सांगठनिक ब्लॉक को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा दायित्व बिन्नागुड़ी अंचल कन्वेनर के ऊपर रखा था, जो हम लोगों ने यहां पे ये प्रोग्राम को सफलतापूर्वक कर पाए। आज का जो मुद्दा था, पूरे पश्चिम बंगाल में आपके सेंट्रल केंद्र के विरोध में जो महंगाई चल रहा है और पश्चिम बंगाल के सरकार के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर हम लोगों ने एक महामिसिल किया और साथ में महामिसिल करने के बाद हम लोग अब ये स्ट्रीट कॉर्नर कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम बनाहट सांगठनिक ब्लॉक की तरफ से किया गया था, जो कि बिन्नागुड़ी अंचल ने इसका परिचालन किया। आज सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी मोदी सरकार जो देश के टोटल अपने संपत्ति को बेच रहा, प्राइवेट कर रहा है, जैसे BPCL, टेलीफोन निगम वगैरह, साथ में रेलवे को निजीकरण करने के लिए कर रही है। हाँ, अब महंगाई, काला धन, नोटबंदी, ये सब कांग्रेस पे जो आज तक मोदी सरकार सबको लॉलीपॉप दिखाया, सबको अच्छे दिन का दिन दिखाया, लेकिन सबका दिन तो गायब हो गया, रात ला दिया सभी नागरिक का, ये में पूरे देश में। इसके विरोध में हम लोग आज पद सभा किए हैं और ये चलता रहेगा आंदोलन हम लोगों का।